चलो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, लिनियर कोरिलेशन बोलते हैं जिसको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जिसका मतलब होता है स्मॉल आर। देखो उसमें तीन मेथड पहले आपको सीखनी है, उसमें से मेथड वन वो कब यूज करनी है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर लेस देन 30। उसमें फॉर्मूला क्या है, तो आधा फॉर्मूला तो आपको पहले भी आता ही है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इन अनदर अंडर रूट, ऐसा ही वाई का अप्लाई कर दो, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ओके चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स वाई देखो थर्ड चैप्टर की पहचान क्या थी, कोई बताएगा मुझे कैसे पता चलेगा ये थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है वो तेजल? वो रिग्रेशन लाइन मेंशन होगा क्वेश्चन, थोड़ा जोर से बोल, जोर से बोलो क्वेश्चन मार्क रिग्रेशन लाइन है। Yes. रिग्रेशन लाइन सारे क्वेश्चन में वो वर्ड होता था ना रिग्रेशन लाइन। हाँ तो अभी सेकंड चैप्टर की पहचान मैं बता दूँ, ये जो मैंने टाइटल लगाया ना वो वर्ड होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो और क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सर टेक्स्ट बुक में तो आज चैप्टर नाम लीनियर कोरिलेशन लिखे हुए, तो मैंने बोला तो सही लीनियर कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। लीनियर कोरिलेशन में जो रिलेशन को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं उसको आर बोलते हैं, और आर का नाम है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो मैंने अभी टाइटल लगाते वक्त ऐसा बोला भी सही, हाँ उसको कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं और लीनियर कोरिलेशन भी बोलते हैं। और सम थियरी समझाऊंगा तब पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है, अभी तो सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस कर, सिर्फ प्रैक्टिकल पे, थियरी में घुसो ही मत। थियरी में मैं ले जाऊंगा ना तब सब कुछ पूरा आसमान दिखाई देगा आपको, फिलहाल थोड़े थोड़े बादल दिखाई देंगे। चलो सिर्फ आपको याद क्या रखना है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर लेस देन 30 एंड इफ यू वांट टू आस्क फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट देन ओनली मेथड वन विल बी यूज। क्लियर? अभी आप देख सकते हो मॉनिटर पे कि सारी वैल्यू 30 से कम है, ये सारी वैल्यू 30 से कम है कि नहीं? यस, छोटी छोटी वैल्यू है आपके जैसी, आप तो खैर बहुत बड़े हो गए। चलो टेबल कैसे बनेगा, पहला एक्स, अरे यार बैकग्राउंड नॉइज बंद करो प्लीज, वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। श्रेया को लगेगा सर मैं लास्ट टाइम जब थी तभी आप यही पढ़ा रहे थे, आज भी यही पढ़ा रहे है ना श्रेया? ऐसा ही कुछ था ना, तू लास्ट में भी यही पढ़ी थी ना? सेम पूरा कॉन्सेप्ट सेम ही है बच्चों, अगर ध्यान से एक बार देख लो ना। चलो 2, 7, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 3, 4, 7, 8,
9, 11, 12, 12, 15. चलो मल्टीप्लाई, 3, 2 जा 6, 7, 4 जा 24, 28, 15, 7 जा 105, 16, 8 जा 128, 18, 9 जा 162, 11, 2 जा 22, 21 multiply with 12, 252. 252. Yes. Yeah. 264. 264. Yes. And 25 multiply with 15. 400. 375. 375. Very good. अभी square कर दो. देखो पूरा x का square करना है, यानी 4, 49, 225, 256. 18 का square कितना होता है? 321. हाँ, 21 का स्क्वायर होगा 441, 22 का स्क्वायर होगा 484 और 25 का स्क्वायर होता है 625. अभी 9, 16, 49, 64, 81, 121, 144. 144, 225. चलो बच्चों टोटल लगा दो. एक्स 146 आ रहा है. एक्स का कितना है? 146. वाई का? 81. वाई आ रहा है 81. हाँ 81 सर. एक्स वाई का 1540. 1540. 1540. एक्स स्क्वायर का 2808. वाई का 853. चलो ओके ना, सब सब टैली कर रहे हैं ना? यस ओके. बस अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं. R is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x whole square in another under root n sigma y square sigma y whole square. अब देखना बच्चों, मैं ध्यान से जो वैल्यू पुट कर रहा हूं वो देख लो. n कितने नंबर थे? 3 और 3 6 और 3 9. 9 है ना. चल n की जगह पे मैं लिखता हूँ 9. sigma xy, xy का टोटल 1540. फिर x का टोटल 146, y का टोटल 81, अंडर रूट n यानी 9, x स्क्वायर का टोटल 853 माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर यानी x का टोटल 146 और उसका स्क्वायर. अच्छा, फिर सेकंड अंडर रूट n की जगह पे 9. अरे x स्क्वायर में टोटल वैल्यू गलत लिख ली क्या? 2808. ओके x स्क्वायर की वैल्यू 2808 थी. 853 और माइनस 81 होल स्क्वायर. चलो बच्चों कैलसी ले लो हाथ में. 9 मल्टीप्लाई विद 1540.
13860 146 multiply with 81 11826 okay. चलो 2808 मल्टीप्लाई विथ 9 और इसका माइनस करो 1116 ओके. अभी एक काम करो आप कैलसी में मैं बताऊ ऐसा. चलो पहले तो 2034 लिख देता हूँ. एक काम करो आप लोग 3956 मल्टीप्लाई विथ 1116 फिर इक्वल टू फिर स्क्वायर रूट 2101.17 Okay. चलो डिवाइड कर दो. Zero point nine six. Okay. चलो रीजॉइन करो मैं एंड कर रहा हूँ. रीजॉइन करो आप मीटिंग. चलो सेकंड क्वेश्चन. सर हमने पीलू तो हमें शू समझा था एक बार समझा ना. सो पीलू में तो मैं समझा था ना ये समझा ना डिस्कनेक्ट थी. हाँ आज ये आर जन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये गैलेक्सी जे टू कोर जिसका जो नाम लिखा है ना वो शिवानी के कॉन्टेक्स्ट है. हाँ यस ओके ओके हाँ सर ओके बेटा. क्या नाम था आपका? पटेल मीत. हाँ पटेल मीत समझ गए. आर की वैल्यू बेटा माइनस वन और प्लस वन के बीच की होती है. माइनस वन से कम नहीं होती और प्लस वन से ज्यादा नहीं होती. क्लियर? ये बैकग्राउंड नॉइज बंद करो. ना ना नीलो मीरा जोड़े.
आर्यन आप रूम में बैठ जाओ बेटा अलग, या तो मम्मी को बोलो कि मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ। चलो आर्यन आप समझ गए, माइनस वन टू प्लस वन के बीच में ही आपका आंसर आएगा, कभी भी माइनस वन से कम नहीं होगा और प्लस वन से, यानी माइनस 2.3 प्लस 2.5 ऐसा कोई आंसर नहीं आ सकता, सारे आंसर 0 पॉइंट में ही हो गए, प्लस या माइनस। ओके okay? पॉइंट। चलो देख लिया आपने कि क्वेश्चन में सारी वैल्यू 30 से कम है, तो हम लिख लेते हैं एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सब वैल्यू रख देंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई, 10 1 10, 9 2 18, 8 3 24, 7 4 28, 6 5 30, 5 6 30, 7 4 28, 8 3 24, 9 2 18, और 10 1। x square 1 4 9 16 25 36 49, 64, 81, 100, और वाई स्क्वायर का 100, 81, 64, 49, 36, 25। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16, 9, 4, 1। चलो टोटल लगाओ, 55। एक्स का टोटल 55 और वाई का भी टोटल 55 है। 55 एक्स का, 55 दोनों का 55 है। हाँ, और एक्स वाई का 220 का 220 एक्स स्क्वायर का 385। अब फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला आर इज इक्वल टू एन कितना है हमारा? टेन। टेन। एक्स वाई का टोटल है 220। एक्स का टोटल है 55। y का टोटल आल्सो 55। 10। n कितना है? 10। x स्क्वायर का टोटल 385। उसका भी 385। होल स्क्वायर यानी 55 का स्क्वायर 10। y स्क्वायर का टोटल 385। और 55 का स्क्वायर 2200। 3025।
3850 minus 3025. चलो ये माइनस कर दो, ऊपर कितना होता है? -825 सर. नीचे 820. हाँ बराबर. अभी समझो आप 825 मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 825 ही होगा ना. हाँ 825 सर. 825 डिवाइडेड बाय 825 योर आंसर इज -1. तो परफेक्ट आंसर हमारा -1 है. यस. टोटल बच्चों ऐसी हमको तीन मेथड कार्ल पियर्सन में सीखनी है और एक चार मेथड सीख ली तो ये चैप्टर भी खत्म. बराबर. ये सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. तो सेकंड खत्म हो जाए फिर एक बार हम फिनिशिंग करेंगे विद थियरी. पहले सेकंड लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, फिर फोर्थ लेंगे. तो 36 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं यहाँ पे पूरे. आज का सेशन यहाँ पर खत्म करते हैं. होमवर्क में मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसकी. बराबर. चलो बाय बाय बाय.